मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन का निधन हो गया है। मंगलवार सुबह उनके बेटे आशुतोष ने इस बात की पुष्टि की। लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। यही कारण था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। लालजी बीते 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम को दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर पर रखा गया। बीच बीच में उनका हालत में सुधार सूचनाएं भी मिलती रही, लेकिन मंगलवार तड़के सुबह उनका निधन हो गया। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी सहित भाजपा और अन्य पार्टियों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। वहीं इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी ने श्रद्धांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय लालजी टंडन का आज तड़के दुखद निधन हो गया। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन विधि का विधान है, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। महामहिम राज्यपाल के पहले वो बहुत सारे पदों पर रहे और मूलतः संघ और जनसंघ, जब जनसंघ की स्थापना हुई तब से वो सक्रिय रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया और वैसे उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। देश के जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, अटल अडवाणी जी, उनके साथ काम करने वाले वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। आज वो नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति तो ही सही, मध्य प्रदेश की क्षति भी है और देश की भी क्षति है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो इंदौर भी आए थे और उनसे मिलने का मौका मिला। जब मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने, चूँकि मैं नया नया सांसद बना था और वो पहली बार इंदौर आए थे और उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, पर जब मैंने मेरा परिचय दिया तो उन्होंने मेरे बारे में, उनको लगभग पूरी जानकारी थी। तो ऐसे व्यक्ति जो कार्यकर्ता के बारे में जानकारी रखता हो वास्तव में बहुत कम रहते हैं और मैं उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ था उस समय। वो इत्र की कुपी एक बार उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबको भेंट करी थी तो मुझे वो कल्पना आई, मैंने कहा मैं भी ऐसे क्यों नहीं भेंट करूं, कहाँ मिलेगी क्या मिलेगी। तो उन्होंने कहाँ मिलेगी क्या मिलेगी, बात तू सोच, तुझे करना है ना, मैं सब करूँगा व्यवस्था, यानी इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे सिखाया था, छोटी छोटी कुपिया वहाँ कानपुर में मिलती थी और वो उन्होंने मुझे भेजी थी, बोले इसमें तुम्हें जो चाहे इत्र भर, इत्र भी चाहे तो मैं भेजता हूँ और ये भेंट कर, एक अच्छा सुगंध लोगों के साथ रहता है स्मृति का। तो ये जो कल्पना उन्होंने दी थी, बहुत दिन तक मैंने वो किया था, तो ऐसी भी कई स्मृतियाँ सुना। हम तो उन्हें लालजी बोलते थे और वास्तव में एक बड़े भाई की तरह थे। राजनीति में तो इस पार्टी को बनाने में, बढ़ाने में नींव के पत्थर जैसे थे, बहुत योगदान उनका रहा और बहुत कार्यकर्ताओं की तरफ भी बहुत बारीकी से ध्यान देते थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारी पार्टी एक परिवार है, तो परिवार जैसा ही उनका व्यवहार हमेशा रहा। और केवल पॉलिटिकल उनका सोच नहीं था, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे बढ़ाना, सांस्कृतिक विचार। उन्होंने लखनऊ पर एक किताब लिखी थी, लखनऊ का इतिहास, लखनऊ की विशेषताएं अभ्यास करके किताबें लिखी, तो ये भी एक उनकी विशेषता। और वहाँ जो उन्होंने अटल जी की स्मृति में बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, तो ऐसे काम भी उन्होंने किए थे। और ऐसा जो व्यक्तित्व जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था, तो क्षति तो है
लेकिन बहुत दिनों से तबीयत खराब थी उनकी, तो एक बहुत अच्छा बड़ा भाई हमने गवाया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर 5 दिन का राजकीय शोक को घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर 5 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है, जिसके चलते मंगलवार को सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।